सरिस्का क्लीन सरिस्का अभियान के तहत आज सरिस्का अभ्यारण्य में स्वच्छारण्य अभियान के 14वें चरण में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र जी का और पूरी सरिस्का टीम का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। साथ में आज अजबपुरा से सरपंच महोदया जो आज इस अभियान में जुड़ी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सभी आप जो वॉलंटियर्स जो स्कूल से आज यहाँ थानागाजी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सतत तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में सरपंच महोदया आज हमारे साथ जुड़ी हैं, महिला होकर इन्होंने प्रकृति के साथ जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग आज प्रदान किया है। मैं इनको भी आभार व्यक्त करता हूँ, इनका भी, और साथ में जितेंद्र जी का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा कि सतत उन्होंने हमारी टीम को प्रयास, जब भी कहीं मोटिवेट हमारा डाउन हुआ, मोटिवेशन को प्रॉपर तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ में हमने मिलकर इसे 14वें अभियान तक इस स्वच्छारण्य अभियान को पहुँचाया है। मैं जितेंद्र जी का, पूरी सरिस्का टीम का और वॉलंटियर्स का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार हमें अपने इस सरिस्का को क्लीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का बनाना है और स्वच्छारण्य अभियान को इसी प्रकार सतत तरीके से आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। बाघ परियोजना सरिस्का में आज 14वें चरण में यहाँ पे सभी लोग पधारे, पीछे से आवाज कम करो, आप सभी का स्वागत है। आज 14वें चरण में हमने पूरा क्लीन किया है इसको, जो यहाँ डस्टबिन पड़ा था और वो पॉलीथीन वगैरह पड़ी थी, उन सबको हटा के उनको साफ़ सफाई की है। और अगला करीब 30 पेड़ हम लगाएंगे और उनका ट्री गार्ड भी लगाएंगे। तो अब सर इसका बेहतरी के लिए बन रहा है और आपका इसमें सहयोग, गोकुल जी का सहयोग, युवा जागृति संस्थान का सहयोग बहुत अमिट है। आने वाले समय में एक बेहतरीन सर इसका बनेगा। और आज इस ये जो क्लीन और ग्रीन सरिस्का है, एक ऐसी मुहिम बन गई है। आज हमारे हमसे इस सरिस्का मुहिम से अजबपुरा सरपंच प्रियंका जी भी हमसे जुड़ गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन सरिस्का निश्चित रूप से बनेगा। थैंक यू। आज यहाँ पे क्लीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का में जितेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस अभियान का हिस्सा बनाया। गोकुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया। और बाकी यहाँ पे इन सर के द्वारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, अगली बार मैं भी यहाँ सर इसका में मेरे द्वारा भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे सर, मेरी तरफ से भी हर महीने आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है सर इसका को और अच्छा बनाने में सर, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप युवा सरपंच होकर और महिला होकर आप इस प्रकृति के इस अनोखे अभियान स्वच्छारण्य में जुड़कर हमारी पूरी टीम में एक ऊर्जा का संचार किया है। आप जैसे युवा सरपंच अगर इस मुहिम में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रकृति को और साथ में हमारे इस सरिस्का अभ्यारण्य को स्वच्छ बनाकर और एक श्रेष्ठ अभ्यारण्य की ओर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। क्लीन सरिस्का, क्लीन सरिस्का, क्लीन सरिस्का।
अच्छे से खूनेंगे अपने पैरों से, ताकि उसकी जो अंदर की जो एयर है वो बाहर बस कर देंगे सर उसको एक ही। जब तक आप अच्छे से खुनाई नहीं करेंगे जब तक पौधा नहीं लगेगा वो फिर भी मरेगा। आप अच्छे से खुनाई नहीं करेंगे और करते क्या है कि पॉलीथीन सहित ही दबा देते हैं, अच्छे से खुनाई नहीं करते, थोड़ी बहुत मिट्टी डाल डूल के ऐसे फॉर्मेलिटी से कर देते हैं, वो पौधा कभी लगेगा नहीं। लगाने का ये तरीका है, पहले पॉलीथीन हटाओ, फिर उसको बीच में रखो, फिर दवाई डालो और फिर थोड़ा बहुत खाद डालो, फिर अच्छी सी मिट्टी डालो उसमें और उसको अच्छे से पैरों से खून दीजिए उसको दबाओ।